नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं ज्वेलरी शोरूम के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, शोरूम है, या आप अपना नया ज्वेलरी शोरूम बनाने जा रहे हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बातें मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, उन बातों को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका जो अपना ज्वेलरी शोरूम है या शॉप है, वो बहुत बढ़िया चले। आपकी शॉप, आपका शोरूम ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी है, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका अपना ईस्ट फेसिंग आपकी शॉप है या शोरूम है, वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। कभी भी रोड के लेवल से यदि नीचे कोई भी दुकान होती है, तो वहाँ पर वर्किंग अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई भी दुकान लेते हैं, चाहे किराए पर लें या अपनी है, वो हमेशा रोड के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, बाहर रोड का लेवल हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके दुकान के सामने आगे का हिस्सा, रोड का हिस्सा या फुटपाथ टूटा हुआ है, तो ये मान के चलिएगा आपके यहाँ काम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने अपने फ्रंट के भाग में हमेशा ही नीट एंड क्लीन रखना है। फ्लोर का लेवल यानी जो आपका अपना फुटपाथ है, वो हमेशा स्मूथ रखना है। जो आपका अपना रोड है, उसे भी स्मूथ कराना है। टूटा फूटा है तो उसको बराबर जरूर कराएं। इसी के साथ यदि आपके यहाँ दुकान के आगे फुटपाथ है, तो उस पर आपने ग्रीन कलर का स्टोन लगाना है। ग्रीन कलर आपको पसंद नहीं, तो आप यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर का स्टोन भी लगा सकते हैं। और जो स्टोन लगाए, तो उसकी जो ढलान होनी चाहिए, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी चाहिए। इसी के साथ आपको अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर, MCV बॉक्स, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, ये कहाँ पर लगाने चाहिए, ये सभी आपको अपने शॉप के साउथ ईस्ट में, अग्निकोण में, यहाँ पर आपको अपना इन्वर्टर, MCV बॉक्स, स्टेबलाइजर और मीटर साउथ वॉल पर लगाने चाहिए। साउथ वॉल पर ऑप्शन नहीं है, तो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस करनी है, वो मेन एंट्रेंस आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यहाँ पर आपकी अपनी मेन एंट्रेंस होनी चाहिए। जब आप अपनी दुकान में अंदर जाए, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आप अपनी दुकान के अंदर जाएंगे, तो हमेशा आपकी सेल बढ़िया रहेगी। पीने का पानी आपको अपने यहाँ शॉप के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोने में पीने का पानी रखना चाहिए। आप डिस्पेंसर रखें या वाटर जग रखें, तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना है। इसी के साथ जब आप गेट नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, तो इसके बाद जितना हिस्सा आपका फ्रंट में बचा हुआ है, वो आपकी अपनी डिस्प्ले विंडो बन जाएगी। यानी यहाँ पर आप अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपका ज्वेलरी का काम है और ज्वेलरी के काम में सारी चीज़ें दिखाई जाती है, शो की जाती है। तो यहाँ पर फ्रंट में आपका डिस्प्ले विंडो बन जाएगी और इसी के अंदर आपने अपना मंदिर लगाना है। मंदिर आप ईस्ट से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक कहीं भी लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में यदि आप यहाँ पर मंदिर लगाते हैं, तो इस मंदिर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आपको जोत जलानी है। जोत इसलिए जलानी है, क्योंकि जब साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्नि जलती है, तो उससे कैश फ्लो यानी पैसा हमेशा आता रहता है, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होती। जिस व्यक्ति की शॉप बनी हुई है और उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो अपना मंदिर साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाए या वहाँ पर एक दिया जरूर जलाए। दिया जलाने से वहाँ पर कैश फ्लो बढ़ जाएगा, पैसा आना बढ़ जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन को अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। और जब हम यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था कर देते हैं, तो यहाँ पर पैसे आने के साधन अपने आप बनते चले जाते हैं और पैसे आते हैं। अब ज्वेलरी की शॉप है, तो वहाँ पर लुकिंग मिरर भी लगाए जाते हैं, और लुकिंग मिरर हमेशा बड़े साइज़ के लगाए जाते हैं। तो वो लुकिंग मिरर आपने कहाँ पर लगाने हैं, वो लुकिंग मिरर आपने नॉर्थ वॉल पर लगाने हैं। सबसे पहले आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से शुरू करना है। पहला लुकिंग मिरर नॉर्थ ईस्ट में लगाए, दूसरा लुकिंग मिरर आप नॉर्थ में लगाए, और तीसरा लुकिंग मिरर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे।
तो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ आपने नॉर्थ वेस्ट की ओर लुकिंग मिरर लगाया है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लुकिंग मिरर नहीं लगाया, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिसकी ज्वेलरी शॉप बनी हुई है, यानी आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है और आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं हो रही, तो आप अपने लुकिंग मिरर को ध्यान से देखिएगा। यदि उसकी पॉलिश खराब है या लुकिंग मिरर खराब हो गया है, तो मेरा अपना मानना है कि जो आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, जो अवसर मिलने चाहिए, वो अवसर मिलने धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं, यानी कि आपकी अपनी जो सेल है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो प्रॉफिट भी प्रॉपर नहीं मिलता। तो इसलिए लुकिंग मिरर हमेशा नॉर्थ वॉल पर लगाएं, और हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का लुकिंग मिरर लगाएं। उसमें ऐसा ना हो कि जब हम लुकिंग मिरर में देखते हैं तो चेहरा मोटा नज़र आए या पतला नज़र आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लुकिंग मिरर की जो पॉलिश है वो हमेशा बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर कारीगर भी बिठाने हैं और स्टोरेज भी करनी है, तो उसके लिए आप अपनी दुकान के, अपने शोरूम के बैक साइड में एक स्टोरेज बना सकते हैं। और जब आपने अपने यहाँ पर तिजोरी रखनी है, सेफ रखनी है, वो सेफ आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, यानी शोरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में वेस्ट वॉल पर लगानी है। पहली ऑप्शन है वेस्ट वॉल पर और दूसरी ऑप्शन है साउथ वॉल पर। यहाँ पर आप अपनी सेफ लगा सकते हैं। एक लगानी है एक लगाएं, दो लगानी है दो लगाएं, तीन लगानी है तीन लगाएं, तो वो सेफ आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर आएगी। इसी के साथ उसके नीचे आपने एक काम और करना है। यदि आपको अपनी सेल बढ़ानी है, एक शोरूम से दूसरा शोरूम बनाना है, तो जो आपकी सेफ रखी जाएगी इसके नीचे 4 से 6 इंच का ठोस प्लेटफॉर्म जरूर बनाएं। यानी इसके नीचे पहले 4 से 6 इंच का ठोस प्लेटफॉर्म बनाएं। वेस्ट वॉल पर बनाते हैं तो भी, और साउथ वॉल पर बनाते हैं तो भी, ठोस प्लेटफॉर्म आपने जरूर बनाना है। ऐसा करने से आपकी सेल भी प्लस होगी और आप एक नया शोरूम भी बहुत कम समय में ओपन कर लेंगे। वो तभी होगा जब आपकी सेल अच्छी होगी, आपके पास काम अच्छा होगा। तो यहाँ पर ठोस प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर सेफ रखते हैं तो आपका काम बहुत ही बढ़िया चलेगा। आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले और स्टोरेज कहाँ बनानी है, वो डिस्प्ले और स्टोरेज सबसे पहले तो आपकी साउथ वॉल पर, यानी जहाँ सेफ आएगी, सेफ का एरिया छोड़ के, उसके बाद आपकी अपनी डिस्प्ले और स्टोरेज हो जाएगी। नीचे के भाग में आपने स्टोरेज करनी है और ऊपर के भाग में आपने अपनी डिस्प्ले करनी है। इसी के साथ आप अपने यहाँ वेस्ट में, पश्चिम दिशा में भी डिस्प्ले प्लस स्टोरेज कर सकते हैं। नीचे के भाग में स्टोरेज करें और ऊपर के भाग में आप अपने यहाँ डिस्प्ले करें। आपने अपने यहाँ पर काउंटर कैसे बनाना है, आपकी दुकान की चौड़ाई कम है तो आप स्ट्रेट काउंटर बना सकते हैं, और आपके यहाँ दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप एल शेप में भी अपना काउंटर बना सकते हैं। यहाँ पर जो ओनर की सीटिंग है, ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट में यहाँ पर होनी चाहिए। ओनर नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे या ईस्ट की ओर फेस करके बैठे, दोनों ही ऑप्शन अच्छी है। इसी के साथ जो स्टाफ की सीटिंग बनेगी वो यहाँ पर स्टाफ की सीटिंग बनेगी। ओनर और स्टाफ का अंदर आने का जो रास्ता बनाना है, वो रास्ता आपने यहाँ से अंदर आने का रास्ता बनाना है। कस्टमर के बैठने के लिए जो सीटिंग बनानी है, वो सीटिंग आप चेयर के रूप में रखना चाहें तो यहाँ पर चेयर रख सकते हैं, और आपने यहाँ पर सोफ़ा रखना है तो सोफ़ा भी रख सकते हैं। कस्टमर के लिए आपने अपने यहाँ पर सेटी रखनी है तो सेटी भी आप यहाँ पर नॉर्थ वॉल के साथ सेटी भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप नॉर्थ वॉल के साथ सेटी रखते हैं तो ये पाई वाली होनी चाहिए, सॉलिड नहीं होनी चाहिए, बॉक्स वाली नहीं होनी चाहिए। यदि बॉक्स वाली होगी तो इसमें वजन भी, यानी सामान भी रखा जाएगा, तो नॉर्थ वॉल पर कभी भी वजन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपको जब सेटी नॉर्थ वॉल पर रखनी है तो स्टूल नुमा सेटी आपकी होनी चाहिए, ऊपर गद्दी हो जाए, नीचे पाए बन जाए, नीचे से वो एरिया बिल्कुल खाली रहे। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके अपनी ज्वेलरी शोरूम के अंदर या शॉप के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ आपको अपने यहाँ पर कारीगर बिठाना है तो उसके लिए आपको अपने यहाँ बैक साइड में, यानी कि यहाँ पर आपने अपना एक डोर बनाना है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर डोर बनाना है, और कारीगर को जो बिठाना है तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में
ईस्ट की ओर फेस करते हुए कारीगर को बैठाना है, क्योंकि जब कारीगर काम करता है तो वो फायर का भी काम करता है, यानी आग से रिलेटेड काम करता है, क्योंकि जो गोल्ड होता है, जो चांदी होती है, उसको मेल्ट करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई टाका लगाना होता है तो उसके लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता है, फायर का इस्तेमाल किया जाता है। वो फायर का काम ईस्ट की ओर फेस करके कारीगर काम करेगा तो वो काम अच्छा होगा। इसी के साथ साउथ वॉल पर आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज भी बनानी है। आपके यहाँ गोल्ड को पतला करने के लिए, तार के रूप में तैयार करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, वो मशीन आपने अपने यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट की ओर लगानी है। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है तो आप यहाँ पर भी वेस्ट वॉल के साथ स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को अवॉइड करना है, यहाँ तक आपने स्टोरेज को नहीं बढ़ाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपकी जो ज्वेलरी शॉप है उसमें काम बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अब आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज़्यादातर ज्वेलरी शोरूम के अंदर वार्म वाइट कलर की लाइट लगाई जाती है जिससे कि गोल्ड और बेहतर चमके। यदि आप अपनी दुकान के अंदर, अपने शोरूम के अंदर वाइट कलर की लाइट लगाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी सेल दिन प्रतिदिन प्लस होती चली जाएगी और आप एक शोरूम से दूसरा शोरूम, दूसरे शोरूम से तीसरा शोरूम भी तैयार कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता सही है और आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शोरूम है और अच्छा नहीं चल रहा तो मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार जरूर देखें, सुने, समझे और विचार करें। जब आपको लगे कि हाँ जी बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है और हमारे पास काम अच्छा नहीं आ रहा, तो आप अपने ज्वेलरी शोरूम का सेटअप इस प्रकार से करते हैं या कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो आपके यहाँ रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप लेआउट भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, लेआउट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार लेआउट भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।